कोरोना की दूसरी लहर का अंत करीब है, लेकिन आपको बता रहे हैं कि डॉक्टर और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि तीसरी लहर भी जल्द आएगी। रिपोर्ट्स की माने तो तीसरी लहर 1.5 से 2 महीने में आ सकती है। सरकार इससे बचने के लिए वैक्सीनेशन अभियान में भी तेजी ला रही है। आपको बता दें कि कल यानी कि 21 जून को देश में 80 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया गया, जो कि एक रिकॉर्ड है। लेकिन इस बीच आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर व्हाइट पेपर जारी किया। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरा देश जानता है कि तीसरी लहर आने वाली है, जिसके चलते अस्पताल में इंतजाम होने चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना लगातार रूप बदल रहा है, ऐसे में हमें तीसरी लहर के लिए तैयार रहना होगा, गरीबों तक सीधा पैसा पहुँचाना होगा। वैक्सीन के बने रिकॉर्ड पर राहुल गांधी ने खुशी जताई, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा एक दिन नहीं बल्कि रोजाना होना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द पूरी आबादी को टीका लगाया जा सके। केंद्र सरकार दूसरी लहर के लिए तैयार नहीं थी, जिसके चलते लोगों को इस महामारी का असर झेलना पड़ा, लेकिन अब पहले से ही सावधानी और अहम कदम उठाने होंगे। साथ ही साथ राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को कोरोना से निपटने के लिए 4 सुझाव भी दिए, जिसमें सबसे पहले उन्होंने कहा कि बेड और ऑक्सीजन की सप्लाई जल्द से जल्द बढ़ाई जाए, दूसरा वैक्सीनेशन का लक्ष्य जल्द पूरा किया जाए, तीसरा कोरोना से मौत पर मुआवजे के लिए फंड बनाया जाए, और चौथा कोरोना के खिलाफ सभी राज्यों को समान मदद मिले। साफ है कि कड़े कदम उठाकर ही कोरोना की तीसरी लहर से निपटा जा सकता है, नहीं तो हालात बद से बदतर हो सकते हैं। ऐसे में मास्क पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, हाथों को लगातार सैनिटाइज करें और अपनी बारी आने पर टीका अवश्य लगवाएं। हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ताज़ा तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए जुड़े रहे पंजाब केसरी के साथ।